दोस्तों बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार हैं जो 90 के दशक में सुपरस्टार बन गए थे और आज भी उनका जलवा वैसा ही कायम है जैसा पहले था। ये दोस्तों इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े स्टार के नाम शामिल है। दोस्तों वहीं कुछ एक्टर तो ऐसे भी है जिन्होंने लंबे समय से फिल्मों से ब्रेक ले रखा है, उनमें दोस्तों एक नाम सुनील शेट्टी का भी आता है। दोस्तों सुनील शेट्टी चाहे तो आज भी कई फिल्में कर सकते हैं लेकिन उन्होंने फिल्मों से दूरी ही बना ली। दोस्तों जब सुनील शेट्टी 90 के दशक में इंडस्ट्री में आए थे तब उन्होंने एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्में दी थी। दोस्तों उस समय लड़कियों में सुनील शेट्टी को लेकर बहुत ही क्रेज रहता था। इस दौर में अजय देवगन और अक्षय कुमार भी एक्शन स्टार के रूप में पहचाने जाते थे। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार सुनील शेट्टी ने सलमान खान के साथ एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म साइन की थी जिसका नाम था चोरी मेरा काम। यह दोस्तों इस फिल्म में सुनील शेट्टी और सलमान खान के साथ काजोल और रवीना टंडन भी थी। दोस्तों माना जा रहा था जब ये फिल्म रिलीज होगी तो तहलका मचा देगी। सलमान खान और सुनील शेट्टी की इस फिल्म में ऐसा एक्शन होने वाला था जिसे उस समय के दर्शकों ने देखा ही नहीं होगा। दोस्तों फिल्म की कास्ट ने शूटिंग भी कर ली और रिलीज का इंतजार करने लगे, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात तो ये रही कि सुनील शेट्टी की ये बिग बजट फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म अधूरी रह गई। इसी समय दोस्तों अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई तो वो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।